Good morning, students. Welcome to our MSB Public School online class. I am Lakshmi ma'am, going to teach you a social study of class 3. Open your book, page number 211. Earth. Chapter ka naam hai Earth. Earth is our home planet. In fact, it is home to everything that we need and know of. Earth. हम जिस प्लैनेट में रहते हैं उस प्लैनेट का नाम क्या है? Earth. जो नीड करते हैं वो सब हम जानते हैं, वो सब हमें यर्थ से मिलता है. मेक ए नोट ऑफ सिक्स थिंग्स यू नीड विच यर्थ प्रोवाइड्स एंड सिक्स थिंग्स यू डोंट नीड बट आर देयर ऑन यर्थ. बी क्विक. सिक्स थिंग्स जो हम यर्थ से नीड करते हैं और सिक्स थिंग्स जो हम यर्थ से नीड नहीं करते हैं. चलो वो क्या क्या नीड करते हैं हम पहले लिखते हैं. आई टेक. देखो यहाँ पे दिया गया है ना, आई टेक के पास क्या लिखा है? हम क्या क्या नीड करते हैं? फूड नीड करते हैं. और क्या नीड करते हैं? शेल्टर. और क्या? वाटर. और एग. एग नीड करते हैं सांस लेने के लिए. और क्या नीड करते हैं? क्लाइमेट. क्या नीड करते हैं? न्यूट्रिएंट्स. ये सब हम नीड करते हैं. और क्या क्या नीड नहीं करते हैं? आई डोंट नीड. यर्थ पर के होने से क्या होता है? जो जमीन है वो हिलता है और मकान गिर पड़ता है और पेड़ पौधे सारे गिर जाते हैं और काफी सारे लोगों की नुकसान होता है. और क्या हम नहीं करते? सुनामी, पॉल्यूशन, फेंडी, पॉइजन. ये सब नीड करते हैं और ये सब नीड नहीं करते हैं. यहाँ पे हमारे यर्थ के जो एक प्लैनेट है उनका यर्थ से जो एक प्लैनेट है वैसे ही और एक और सेवन प्लैनेट से यर्थ को मिला के एक प्लैनेट है. सन के चारों तरफ घूमते हैं. तो देखो ये सारे एट प्लैनेट्स के नेम दिए गए हैं. मर्कुरी, वेनस, यर्थ, मार्स, जुपिटर, सेप्टन, यूरस, नेपच्यून. Earth is best planet from the sun. Neither too close nor too far. Best planet. Earth कितने नंबर पे है? कौन से नंबर का प्लैनेट है? थर्ड. यहाँ पे हम थर्ड लिखेंगे. थर्ड. यह थर्ड प्लैनेट है ना? It is the right temperature to support life. ये Earth जो टेम्परेचर होता है सन के पूरे पास है और ज्यादा दूर भी नहीं. इसके जरिए सनलाइट जितना चाहिए उतना ही यर्थ को मिलता है जिसके वजह से हम उसे सपोर्ट होता है हमारे लाइफ होने का. यर्थ में लाइफ रहने के लिए सपोर्ट होता है वो सनलाइट. द सन प्रोवाइड अस विथ डेथ एंड डेथ बोथ आर एसेंशियल फॉर लाइफ. सन प्रोवाइड अस. सन हमें क्या देता है? लाइट देता है. और क्या देता है? हीट देता है. सन प्रोवाइड करता है लाइट और हीट जो हमारे लाइफ को के लिए बोथ आर एसेंशियल वो जरूरत होता है हमारे लाइफ के लिए. इट हैज एयर व्हिच इज रिच इन डेथ. इस कौन से हमारे हमें चाहिए होता है? ऑक्सीजन. इन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ज्यादा होता है ज्यादा है अर्थ में इसीलिए हम अच्छे से सांस ले पाते हैं. ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स डेस ऑक्सीजन. हम क्या करते हैं ऑक्सीजन से? ह्यूमन और एनिमल्स क्या करते हैं? ब्रेथ करते हैं ऑक्सीजन से. इट इज डेस इन इट्स लिक्विड फॉर्म. यहाँ पे क्या लिक्विड फॉर्म में है? वाटर. नियरली 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय ओशियंस द रेस्ट ऑफ इट इज लैंड. जो हमारे अर्थ में 71% कवर होके ओशियंस रहा है और जो बाकी के 29% है वो लैंड है. येट दैट लैंड इज इनफ टू सपोर्ट ऑल ऑफ अस. जितना लैंड है वो हमारे लिए जो हम रहने के लिए ज्यादा है. वी ह्यूमंस लिव ऑन लैंड. ए लॉट ऑफ लैंड इज covered by soil.
मंथ कहाँ पे रहते हैं? लैंड में रहते हैं। और सारे लैंड किससे कवर होके रहा है? सारे लैंड्स सोइल में मिट्टी से कवर होके है। We go grow plants in dirt। हम प्लांट किससे ग्रो करते हैं? सोइल, मिट्टी से प्लांट होता है ना। अगर मिट्टी नहीं होगा तो प्लांट होगा क्या? प्लांट्स वाटर में भी है लेकिन ज्यादातर मिट्टी में। एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रीव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। डिफरेंट स्पेसिस हैव एडेप्टेड टू देयर रेस्पेक्टिव हैबिटेट्स। जो एनिमल्स और प्लांट्स है वो बोथ लैंड में रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। सो फॉर साइंटिस्ट हैव नॉट डिस्कवर्ड लाइफ ऑन एनी अदर प्लैनेट। आज तक कोई भी साइंटिस्ट अदर प्लैनेट में लाइफ और उनके जो डिस्कवर नहीं किए हैं। देखो वाटर का जो ड्रॉप और क्लाउड क्या बोल रहे हैं, बादल और वाटर क्या बोले, होप ह्यूमंस यूज अस वेल बिकॉज इफ दे वेस्ट एंड मिसर्स विल बी नो यूज टू देम। और क्लाउड बोल रहे हैं होप ह्यूमन हमेशा अच्छे से यूज करेंगे, अगर वो हमें वेस्ट करेंगे तो हम भी उनके और मिसयूज करेंगे तो हम उनके कुछ काम में आ सकेंगे। आज जो पढ़ाई हूँ वो तुम सब समझ चुके होंगे नेक्स्ट क्लास में, और बाकी के सारे पढ़ेंगे। थैंक यू।